रक्षाबंधन को लेकर क्या भ्रम है, इससे बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे स्पेशल गेस्ट पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, लौटूंगे आपके पास, लेकिन इससे पहले आपको दिखा देते हैं कि क्या बता रहे हैं ज्योतिष आचार्य शैलेंद्र पांडे जी इस राखी के कंफ्यूजन को लेकर। 10:59 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन होगा 31 अगस्त को प्रातः 7:05 पर। 31 अगस्त को जो पूर्णिमा है वो सूर्योदय के बाद 6 घटी से कम है। 6 घटी का मतलब 2:24, 2:24 से कम है 31 अगस्त को सूर्योदय के बाद। इसीलिए 31 अगस्त की पूर्णिमा मान्य नहीं होगी। पूर्णिमा तभी मान्य होती जब ये सूर्योदय के बाद कम से कम 2:24 तक रहती, लेकिन ये चूंकि सूर्योदय के बाद 2:24 से कम है इसीलिए 31 अगस्त को पूर्णिमा मान्य नहीं होगी। तो पूर्णिमा मान्य होगी 30 अगस्त को। अब 30 अगस्त को भद्रा भी है और उसी समय में शुरू हो रही है भद्रा जब पूर्णिमा की शुरुआत हो रही है, यानी 30 अगस्त को भद्रा सुबह के 10:58 से रात के 9:01 के बीच में है। भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जा सकता। भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व मनाना मना है। 2 पर्व ऐसे हैं जिनमें भद्रा का बहुत विचार किया जाता है, एक है होलिका दहन और एक है रक्षाबंधन। तो अब चूंकि रक्षाबंधन वाले दिन यानी 30 अगस्त को रात के 9:01 तक भद्रा रहेगी, इसलिए रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को रात के 9:01 के बाद ही मनाना उचित होगा।